ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी कब से आना शुरू होगा, ओटीपी नहीं आने का रीजन क्या है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कब से शुरू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा, सर हम क्या करें, बहुत परेशानी में है। जब से आप लोग का रिजल्ट आया है बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का, तभी से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का लगभग में सेम ही क्वेश्चन है, सर ओटीपी नहीं आ रहा है। आप सभी को एक बात बता दे, आप लोग अकेले नहीं है, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के साथ यही प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि ओटीपी आखिर कब तक आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पे होगा, जो आपका अलॉटमेंट लेटर है डाउनलोड शुरू कब से होगा, अपग्रेड का मतलब क्या होता है, फ्रीज का मतलब क्या होता है। इसके साथ साथ आप लोग ये भी जानेंगे कि आज एडमिशन होगा या नहीं होगा। और आप लोग एक बात बता दें, आप लोग टेंशन ना लो, जब तक आप लोग के साथ हम हैं आप लोग को कुछ नहीं होने देंगे। आपको पहले भी बोले थे कि आपका हेल्प पहले भी किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में भी करेंगे। आपका और कोई हेल्प करे या ना करे, आप लोग के साथ हमेशा खड़ा है। और वो कौन है तो डिप्लोमा क्लासेस यूट्यूब चैनल और उनके सर यानी हम, मेरा नाम है विशाल कुमार। तो चलिए वन बाय वन करके आपके हर एक टॉपिक ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए हम लोग बिहार में रहने वाले हैं और बिहार में कोई भी काम एक बार में नहीं होता है। आप सभी को बता दें, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मैट्रिक लेवल का फॉर्म फिलअप किए होंगे पॉलिटेक्निक का, उनको पता होगा। सेम ऐसा ही हुआ था प्रॉब्लम काउंसलिंग के समय, काउंसलिंग के समय बता रहा था योर सेशन एक्सपायर्ड। और ये जो समस्या है लगभग में एक दिनों तक चला था, उसके बाद ऑटोमेटिक ठीक हो गया। और सेम वही है प्रॉब्लम यहाँ पर भी, वहाँ पर बोल रहा था सेशन एक्सपायर्ड और यहाँ पे आप लोग का क्या हो रहा है, अपग्रेड या फ्रीज करने के समय ओटीपी नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात आप सभी को बता दे, आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपने YouTube चैनल डिप्लोमा क्लासेस में। एक और आप सभी को बात बता देते हैं, जितने भी स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया है ओटीपी नहीं आ रहा है, आप लोग टेंशन ना लो। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो बना दिए हैं, उसको देख लो, डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लो कि एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक या दो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, एक या दो डॉक्यूमेंट के बिना एडमिशन हो जाता है, ये नहीं कि सभी के सभी डॉक्यूमेंट नहीं है। रहा बात कि अपग्रेड का मतलब क्या होता है, अपग्रेड करने से ऊपर का जो पॉलिटेक्निक हो मिलेगा या जो नीचे के पॉलिटेक्निक है वो मिलेगा। एक और बात आप सभी को बता देते हैं, आप लोग जो भी क्वेश्चंस करते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना देते हैं, फिर भी आप लोग हमारे पास कॉल करके मैसेज करके परेशान कर देते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस का जवाब ना दें हम वीडियो के माध्यम से, उसके बाद आप लोग हमारे पास फ़ोन करें। आप सभी को बुरा लग रहा होगा कि आपके कॉल का हम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को बता दें हर एक सेकंड हमारे पास कॉल आ रहा है। अब आप ही लोग बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। जब आपकी हर एक सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से मिल रहा है, फिर आप लोग देखिए क्या होता है, जब सबका क्वेश्चन अलग अलग रहता है तो जवाब देने में अच्छा लगता है। सभी लोग फ़ोन करके यही पूछ रहे हैं, सर ओटीपी नहीं आ रहा है, सर ओटीपी नहीं आ रहा है। आप सभी को एक बात बता दे, आप लोग टेंशन ना लो, आप लोग के साथ और कोई रहे या ना रहे, विशाल सर आप लोग के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। बता देते हैं आप सभी को अपग्रेड का मतलब क्या होता है। मान लो ऊपर में डाले हो एनजीपी पटना 13, उसके बाद जीपी पटना 6, मुजफ्फरपुर,
उसके नीचे है और उसके नीचे है मोतिहारी। क्या हुआ है, मोतिहारी का पॉलिटेक्निक अलॉट हो गया है, लेकिन चाहते हो कि मोतिहारी में एडमिशन नहीं लेना है, हमें मुजफ्फरपुर या पटना में एडमिशन लेना है, तो क्या करना होगा, अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड का मतलब होता है ऊपर की ओर। तुम्हारे मन में एक डाउट होगा कि अपग्रेड करेंगे तो क्या नीचे का मिल जाएगा पॉलिटेक्निक, बिल्कुल गलत है। अपग्रेड का मतलब होता है ऊपर की ओर, जो ऊपर में पॉलिटेक्निक होगा, अगर तुम्हारा रैंक अच्छा होगा तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर रैंक उस पॉलिटेक्निक के मुताबिक नहीं होगा तो जो पहले मिला था वहीं पर जाकर के एडमिशन लेना होगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट अपग्रेड करेंगे उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। पिछले बार बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिनको लग रहा था कि अपग्रेड कर दिए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे फिर भी हमारा एडमिशन हो जाएगा। लगभग में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट, किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ था, उनका यही भ्रम था कि अपग्रेड कर दिए हैं फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम नहीं जाएंगे, उसके बाद भी मेरा एडमिशन हो जाएगा सेकेंड राउंड में। आप अपग्रेड कर दिए हैं या आगे करेंगे फिर भी आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको वापस कर दिया जाएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अगर आप लोग पॉलिटेक्निक जो आपको मिला है वो आपको पसंद नहीं है तो बिल्कुल आप लोग अपग्रेड करेंगे। रहा बात जिनको पॉलिटेक्निक और ब्रांच पसंद है तो आप लोग फ्रीज कर देंगे। फ्रीज का मतलब होता है जमना, यानी आपको वहाँ पर एडमिशन ले लेना है। एडमिशन में कितना पेमेंट लगेगा तो आप सभी को बता दें, 1500 से लेकर 2500 रुपये तक। लेकिन आप सभी लोग 5000 तक रुपये आप लोग लेकर के जाइएगा। रहा बात OTP क्यों नहीं आ रहा है तो आप सभी को बता दें, आप लोग आज तक वेट कर लो, आज एडमिशन के लिए कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा। एडमिशन के लिए आप सभी स्टूडेंट कल और परसों 12 और 13 और भी 2 दिन का आप लोग के पास टाइम है, और OTP आज से आना शुरू भी हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लोग BCEC के साइट पे जाना, वहाँ पर BCEC का ऑफिशियल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया गया होगा। आप सभी स्टूडेंट लगातार BCEC बोर्ड के पास मेल करो, फ़ोन भी कर सकते हो, वे लोग फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन मेल करो। जब लगातार मेल जाएगा BCEC के पास तो सोचिएगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम सबके पास है, और आप लोग टेंशन ना लो, सबके साथ यही प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि सिर्फ आपके ही साथ है। और एक बात बता दे, जब तक आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं होगा तब तक एडमिशन नहीं होगा। लेकिन उनके लिए सैड न्यूज़ है जिनका पॉलिटेक्निक उनके घर से कोसों दूर है। जैसे कि एक लड़का है आदित्य, उसका पॉलिटेक्निक मिला है उसके घर से 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन एक बात बता दे, जो OTP का प्रॉब्लम है आज ही ठीक होगा। आज अगर आज ठीक हो जाता है दोपहर 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक आप लोग ट्राई करते रहो। वैसे हम भी ट्राई कर रहे हैं लगातार, जैसे ठीक होगा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी अपडेट कर देंगे या वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को बता देंगे। अभी आप लोग डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लो, अगर आज ठीक हो जाता है तो जिनका भी पॉलिटेक्निक अगर घर के आसपास होगा तो आप लोग एडमिशन के लिए आज ही चले जाना, और जिनका कुछ डिस्टेंस पे होगा वो भी अभी अपना डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद जैसे OTP आएगा क्या करना, डॉक्यूमेंट को अपने बैग में रखना और सीधे निकल जाना एडमिशन के लिए। OTP आज से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले सभी स्टूडेंट को कॉल करना होगा और मेल करना होगा। वैसे हम भी मेल किए हैं BCEC बोर्ड को, कॉल भी किए हैं, कॉल का लोग रिस्पांस नहीं देंगे। लगातार आप लोग फ़ोन कीजिए,
क्योंकि एडमिशन का डेट अगर आज नहीं हुआ तो आज का दिन कैंसिल हो जाएगा, कल परसों दो दिन बचेगा। दिक्कत उनको होगा जिनका घर पॉलिटेक्निक कॉलेज से काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो आप सभी को बता दे, ओटीपी आएगा, उसके बाद ही आप लोग का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा और उसी के नीचे लिखा होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पर होगा। 75 से 80% जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी पॉलिटेक्निक में होगा, लेकिन कुछ ऐसे ही पॉलिटेक्निक है जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दूसरे पॉलिटेक्निक में होगा। तो आप लोग अलॉटमेंट लेटर का वेट करो, टेंशन ना लो, आप लोग के साथ हमेशा खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। कोई भी क्वेश्चंस होगा कमेंट कर देना या मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। कॉल ना करो, कॉल करके वही बात पूछोगे जो इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। ओटीपी का प्रॉब्लम सबके साथ है, तुम अकेले नहीं हो। जितने भी स्टूडेंट है बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के, सभी के साथ यही प्रॉब्लम है। ओटीपी का जो समस्या है आज ठीक हो जाएगा। सेम ऐसा ही हुआ था मैट्रिक लेवल वाले स्टूडेंट के साथ, और 18 से 20 घंटों के बाद जो समस्या है वो खत्म हो चुका था। तो आप लोग परेशान ना हो, अभी आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको अरेंज कर ले, जितने भी डॉक्यूमेंट है सबका 3 कॉपी में जिरक्स करवा ले। जैसे ओटीपी आना शुरू होगा टेलीग्राम पर मैसेज करके हम अपडेट कर देंगे या वीडियो भी बना देंगे। और एक आप सभी को बात बता दे, जो ओटीपी का प्रॉब्लम है आज 12 बजे के बाद ही ठीक हो सकता है, क्योंकि आज संडे भी है। वैसे आज बोर्ड बंद रहता है लेकिन आज शायद बोर्ड बंद नहीं रहेगा क्योंकि आप लोग के साथ समस्या हो गया है। अगर ठीक होना भी होगा तो दोपहर 12 बजे के बाद ही होगा।